नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंतराज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए संस्कृत के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 17 के बारे में। इससे पहले के 16 टेस्ट नहीं देखे तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप वो भी ज़रूर देख लें। और कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें व्याकरण और शिक्षण विधियाँ शामिल है। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक आपको इस गद्यांश में से आंसर देना है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं वापस इसको दिखा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका है, भाषायाः इत्यत्र विभक्ति वर्तते। भाषायाः शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी, ये 4 विकल्प आपके सामने। जल्दी से आप लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, षष्ठी विभक्ति है भाषाया में षष्ठी विभक्ति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, विशेष्य पदम वर्तते, विशेष्य पद कौन सा है? भाषा, सरला, मधुरा, संस्कृता। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर विशेष्य पद जो है दोस्तों वह रहेगी भाषा, विशेष्य पद है पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, स्मृति ही इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। स्मृति ही में कौन सा प्रत्यय है? कत, कत्वा, कतिन या ति प्रत्यय, बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा कतिन प्रत्यय है दोस्तों, विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं, दृष्टवा इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, कत, कत्वत्व या कतिन। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने अवेलेबल है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना ही है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा कत्वा प्रत्यय, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, देव भाषेति इत्यत्र संधि वर्तते। देव भाषेति में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, अयादि या दीर्घ, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी से कमेंट करें आप पांचवें का राइट आंसर क्या रहेगा। देव भाषिति में दोस्तों कौन सी संधि है? गुण संधि का प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा पांचवें का। छठा है, देश है वर्तते। देश जो शब्द है कैसा है? पुलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे या अव्यम, बताएं जल्दी से। देश जो शब्द है दोस्तों उसमें कौन सा लिंग है? देश शब्द में दोस्तों पुलिंग है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 है, संति इत्यत्र धातु के। संति में कौन सी धातु है? सन, भू, अस या आस, ये 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से बताएं कमेंट करके कि संति में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है दोस्तों। संति जो धातु है दोस्तों संति में वह रहेगी अस धातु, अस धातु का ही रूप है बहुवचन का संति, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है, वकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। वे का उच्चारण स्थान क्या होता है? बिल्कुल इजी प्रश्न आपके लिए, बताएं जल्दी से प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर। तो दोस्तों आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा वकारस्य दंतोष्टम, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है नवां प्रश्न, फे वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते। फे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठो, तालु, कंठ या मूर्धा, ये 4 विकल्प हैं फे वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठो, उपोपध्यानम ओष्ठो। पे वर्ग जो है पूरा पे फे बे बे में इनका सबका ओष्ठो होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, अहम शनई हस्यामी वाच्य परिवर्तनम स्यात्। अहम शनई हस्यामी का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? मया शनई हस्यते, मया शनई हस्ये, अहम शनई हस्यते या अस्माभि हस्यते। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर अब आपको बताना है। 4 विकल्प बताए मैंने, 10वें का राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन मया शनई हस्यते, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, पुलिंगे शब्दो नास्ति। पुलिंग शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं, विधि, संधि, उपाधि या भूमि। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर पुलिंग शब्दो नास्ति, पुलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों भूमि जो है वह पुलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है।
चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 का। 12वां क्वेश्चन है, अहम पुस्तकम पठित्वा आगच्छामि इत्यत्र अव्ययपदम किम्। इसमें जो है अव्ययपद कौन सा है, अहम पुस्तकम पठित्वा या न किमपि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताएं जल्दी से, कमेंट कीजिए। 12वें का राइट आंसर दोस्तों पठित्वा हो जाएगा, जो कत्वा प्रत्यय है उससे बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, त्वम नृत्यसी भूतकाले परिवर्त्यत, त्वम नृत्यसी को भूतकाल में बदलना है, त्वम अनृत्यत, त्वम अनृत्य, त्वम नृत्यति या त्वम नृत्यसी। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प, त्वम अनृत्य, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की ओर आते हैं, छात्र है ग्रंथान पठति कृत पदम बहुवचने परिवर्त्यत, बताएं जल्दी से, बहुवचन में बदलना है, चार विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा छात्राः ग्रंथान पठन्ति, विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर है, 14वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 है, सुजलाम सुपलाम मातरम वंदे इत्यत्र विशेष्य पदम वर्तते, जो ये वाक्य है इसमें विशेष्य पद कौन सा है, सुफलाम सुजलाम मातरम या वंदे, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। सुजलाम सुपलाम मातरम वंदे में दोस्तों जो विशेष्य पद है वह आपका है मातरम, विकल्प नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 से 20 आपको ये पद्यांश पढ़कर के आंसर देना है। पहला ही ऑप्शन है परिहर्तव्य इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, परिहर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, तव्यत अन्यर कत या तुमन, ये चार विकल्प आपके सामने हैं, बताएं जल्दी से प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा। 16वें प्रश्न का राइट आंसर रहेगा तव्यत प्रत्यय है, परिहर्तव्य में तव्यत प्रत्यय है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है विद्यालंकृत इत्यत्र संधि, विद्यालंकृत में कौन सी संधि है, शवर्ण दीर्घ है, गुण है, वृद्धि या विसर्ग है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा। इसमें दोस्तों संधि रहेगी शवर्ण है दीर्घे, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है 17वें में। आगे बढ़ते हैं 18वें में, द्वितीय पंक्तो विशेष्य पदम वर्तते, द्वितीय पंक्ति में विशेष्य पद कौन सा है, ये द्वितीय व्यक्ति विभक्त जो है ये रही पंक्ति, चलिए देख लिया आपने, दूसरी पंक्ति यह है श्लोक की और इसमें विशेष्य पद पूछा आपसे, तो प्रश्न नंबर 18 का अब राइट आंसर क्या होगा, सर्प है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 है, सन इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, सन में कौन सा प्रत्यय है, सत्री सानच अन या मतुप, चार विकल्प आपको मैंने बताए दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह रहेगा आपका पहला ऑप्शन सत्री प्रत्यय है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है मणिना भूषित है अस्य समस्त पदम शात, मणिना भूषित है का समस्त पद क्या बनेगा, मणि भूषित है, मणि भूषित है, मण भूषित है या मणिन भूषित है, प्रश्न नंबर आपको 20 का राइट आंसर बताना है। 20वें का राइट आंसर रहेगा मणि भूषित है, विकल्प नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है, डॉट 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 पुरुषा हसन्ति त्रिये त्रीणी त्रिश्या त्रिया, 21वें का राइट आंसर बताना है अब आपको, डॉट 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 पुरुषा हसन्ति, राइट आंसर रहेगा दोस्तों त्रिय है, पहला विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है, डॉट 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 महिला जलम आनयंती चतवारी चतस्र है चतुर है या चतवार है, तो बताएं 22वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, राइट आंसर रहेगा चतस्र है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। 23वें में आ जाइए दोस्तों, मैं पुस्तक लिखूंगा अस्य अनुवाद है, अहम पुस्तकम लिखामि अहम पुस्तकम लेखिष्यामि अहम पुस्तकानि लिखामि या अहम पुस्तकम अलिखम, मैं पुस्तक लिखूंगा इसका संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका बनेगा अहम पुस्तकम लेखिष्यामि, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 में आ जाइए, क वर्ण वर्तते स्पर्श है उष्म है अंतस्थ है या तालव्य, के वर्ण क्या है दोस्तों, तो के वर्ण आप सभी को पता है कादियो मावसानः स्पर्शः, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर, के वर्ण स्पर्श वर्ण है के से मे तक, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है,
गे वर्णस्य यत्न नास्ति, गे वर्ण का यत्न कौन सा नहीं है, मा प्राण है, विवार, नाद या गोस है। 25वें का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो गे वर्ण का जो दोस्तों यत्न नहीं है तो विवार यहां पर नहीं होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 है, प्रयोग है, अभ्यास है, भवति अत्र, व्याकरण शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, गद्य शिक्षण है या पद्य शिक्षण है। 26वें का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा, प्रयोग है, अभ्यास है, भवति अत्र। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 26वें का, व्याकरण शिक्षण है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, और कितने सही होते हैं आपको लास्ट में बताना है। अगला प्रश्न देखिए 27वां, पद्य शिक्षण से विधि रस्ती, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है, वाक्य प्रयोग है, गहन पठनम, भाष्य विधि या अनुलेखनम। प्रश्न नंबर 27 का कितने लोग आंसर देते हैं देखते हैं, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है। तो दोस्तों 27वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला 28वां देखेंगे, संरचनात्मक उपागमे क्रियते, संरचनात्मक उपागम में क्या किया जाता है, वाक्यानाम संक्षिप्तीकरणम, व्याक्यानाम संरचना, वाक्यानाम अनुवाद है या सूत्राणाम व्याख्या। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने अवेलेबल है, 28वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, व्याक्यानाम संरचना करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरा विकल्प 28वें का। प्रश्न नंबर 29 देखिए, बलागातस्य अभ्यास है क्रियते, बलागात का अभ्यास किस पर किया जाता है, बलागात का मौन वाचने, उच्चारण शिक्षणे, लिखित रचनायाम या गहन पठने, बताएं जल्दी से 29वें का राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बलागात का अभ्यास उच्चारण शिक्षण में किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 29 का। अगला है, द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यकम वर्तते, द्विभाषात्मक विधि में क्या आवश्यक है, अनुवाद शिक्षण है, किस में आवश्यक है ये, अनुवाद शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, पद्य शिक्षण है या गद्य शिक्षण है, द्विभाषात्मक प्रविधि किसकी है दोस्तों ये बताना है आपको 30वें प्रश्न के अंतर्गत। तो जल्दी से कमेंट कीजिए 30वें का राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है रहेगा अनुवाद शिक्षण है दोस्तों, द्विभाषात्मक अनुवाद शिक्षण की प्रविधि है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 30वें का। तो दोस्तों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन, और 30 में से आपके कितने सही हुए आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट सब लोग करेंगे तो सब लोगों को अपनी तैयारी का पता चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, ये बहुत बड़ी आपकी जो है बढ़िया बात रहेगी आप जो कमेंट करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।